गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधी बाशु में। और अभी सुबह हो गया है, तो सुबह 5 बजे से ही मैं सवेरे उठी थी, तो उसी टाइम से बारिश हो रहा है और अभी तक हो रहा है। मैं फिर सो गई थी जाके, क्योंकि ठंड लग रहा था। मैं दिखाती हूँ कि बारिश तेज़ हो रहा था, तो मैं अपना ये पौधा नीचे लगा दी थी। देखिए इसमें भी कितना पानी भर गया है। और इतना तेज़ हवा चल रहा था ना सवेरे कि मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था सवेरे में कि कुछ कहना ही नहीं है। तभी मैं यहाँ पे रख दी पौधों को, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे ना गिर जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना तेज़ बारिश हो रहा है, ये देखिए। आज पहली बार बारिश हुआ है गर्मी 2022 में, वो भी बहुत तेज़ बारिश हुआ है। तो आप लोग भी बारिश का मज़ा लीजिए। मैं तो जा रही हूँ, सुबह हो गया है और मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाऊँगी और चाय पकोड़े खाऊँगी सवेरे सवेरे अच्छे से। ये देखिए कितना तेज़ हवा चल रहा है, मेरा तो मोबाइल ही बिक जाएगा। अरे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स, कबूतर है जो कि बारिश में पूरा भीग रहा है। और वो कितना तेज़ हवा चल रहा है, देखिए पूरा भीग रहा है कबूतर। ओ बेचारा, कितना तेज़ हवा चल रहा है, बेचारे कबूतर के तो घर ही नहीं है, कहाँ जाए वो बचने के लिए। देखिए दीवार पे एकदम चिपक चुका है, क्या कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और अभी बारिश रुक चुका है पूरा, तो इसलिए एकदम ठंडा सा हवा आ रहा है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, सुहाना एकदम मौसम है। और अभी तो बाइक में घूमने का मजा ही अलग होगा। वाओ कितना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे मौसम है कि कहना नहीं है बहुत। ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को झंडा कितना मतलब उड़ रहा है। और ये देखिए पत्ता केला का कितना उड़ रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। आज बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, तो मैं इसीलिए सोची आज पूड़ी और भिंडी मसाला बनाती हूँ। ये देखिए भिंडी में कटिंग कर ली हूँ ये, और नाश्ते में पूड़ी में बनाने वाली हूँ। आटा गूंद के रख ली हूँ, ये इसको छोड़ती हूँ फूलने के लिए। तो अभी मैं बनाऊँगी जल्दी जल्दी, और थोड़े से पकोड़े भी बनाऊँगी, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना। आज बारिश हुआ है, आज पहला बारिश हुआ है दिल्ली में 2022 का, तो इसलिए मैं आज चाय और पकोड़े बना के खाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है। और ये देखिए मैं अभी सब्जी भिंडी का एकदम तीखा वाला मसाला, भिंडी मसाला बनाने जा रही हूँ और पूड़ी। तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज तो बारिश हो गया है रात के 2 बजे से ही, तो आज तो मौसम बहुत सुहाना है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ खाने का। सुधी कब से क्या क्या खाना बनाया जा रही है पता ही नहीं, तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं सुधी क्या बना रही है। हाय बोलो, ये वाला हाय बोलो बंद कीजिए पहले। ठीक है, तो सुधी जो बना रही है आप देख सकते हैं, तो सुधी क्या बना रहे हो आप? भिंडी मसाला बना रहे हैं और पूड़ी बनाने वाले हैं। मसाला और पूड़ी भी बनाने वाले हैं। वाओ, हाँ, क्योंकि आज का मौसम पता ही है बहुत अच्छा है और आपका फेवरेट है भिंडी मसाला, तो इसीलिए मैं। हाँ मेरा तो फेवरेट ही है, मेरा तो भिंडी मसाला फेवरेट है। अच्छा, ये आपने भिंडी को पहले से ही फ्राई करके रख दिया है क्या? हाँ। अच्छा। ये पहले से ही फ्राई करके रखे ताकि वो गले नहीं, और अब इसमें सारा मसाला फ्राई कर लेंगे और लास्ट में भिंडी को ऐड कर देंगे, उसमें डाल देंगे, जिससे मसाले में ये बहुत अच्छा से मिल जाएगा और काफी टेस्टी लगेगा खाने में।
ओहो, तब तो आज तो मतलब बहुत अच्छा बनने वाला है भिंडी मसाला तरीके से, और खूब सारे मसाले भी डलने वाला है। ठीक है, तो आज मेरे को भिंडी मसाला, पूड़ी, पकौड़े और चाय भी साथ में मैं बनाऊंगा। आज मैं स्पेशल चाय बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों ये देखिए, मसाला फ्राई हो गया है और अब सुधी इसमें भिंडी डालने वाली है। ठीक है, ये भिंडी डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये तो अभी से लजीज लग रहा है। ठीक है, और अब कुछ देर में अब पकौड़े और पूड़ी भी चलने वाले हैं। ये सुधी, फ्रेंड्स तो अभी मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये पूड़ी, पकोड़े और ये भिंडी मसाला है, और उसके साथ मैं चाय बनाई हूँ। तो अभी मैं देने जा रही हूँ सोना को खाने के लिए, क्योंकि मैं तब से बना रही हूँ और वो भूखे हैं। तो अभी मैं नाश्ता बना ली हूँ और बहुत अभी भी बाकी है। देखिए अभी पूड़ी मैं बेल के रखी हूँ, थोड़ा सा बाकी है। और उधर देखिए ये लोया काट के रखी हूँ, बनाऊंगी। इनका ऑफिस लेट होने लगा है तो इसीलिए मैं इनको नाश्ता दे दी बना के थोड़ा सा, और अभी मैं उन पूछती हूँ। वाओ कितना मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स मैं बनाई, अब ये खा रहे हैं। अभी उनको ऑफिस भी जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाई। बहुत टेस्टी है फ्रेंड, आप लोग भी आइए खाने के लिए, मैं आप लोग को इन्वाइट कर रहा हूँ। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स।